हेलो दोस्तों, मैं हमजद और स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सिग्नल ऐप का ऑटो डाउनलोड कैसे बंद कर सकते हो। ऑटो डाउनलोड क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ हमारे फ़ोन पे आती है, सिग्नल ऐप में आती है, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो, हमारे काम की चीज़ और जो बेकाम की चीज़ रहती है, सभी चीज़ें हमारे डाउनलोड होती रहती है ऑटोमेटिक, और उसके कारण हमारे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल हो जाती है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे में ऐसे डाउनलोड हो ऑटोमेटिक, जिसको हम चाहें वही सिर्फ डाउनलोड हो, तो उसको आप बंद कर सकते हो सिग्नल ऐप में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप ऑटो डाउनलोड को कैसे सिग्नल ऐप में बंद कर सकते हो, और आप जिस जिस को डाउनलोड करना चाहते हो सिर्फ उस चीज़ को आप डाउनलोड करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सिग्नल ऐप में ऑटो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना सिग्नल ऐप को ओपन कीजिए। सिग्नल ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ सेटिंग लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इसको स्क्रॉल करना है और डाटा एंड स्टोरेज पर क्लिक करना है। ये वाला डाटा एंड स्टोरेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। डाटा एंड स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर के बाद यहाँ नीचे दिखाई देगा ऑटो डाउन मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ दिखाई देगा ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इसके नीचे जो भी है उसको आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, मोबाइल डाटा अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है इमेज और ऑडियो। सो इन दोनों चीज़ को ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा जब भी आपका मोबाइल डाटा चालू होगा तब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा मोबाइल डाटा भी चालू हो फिर भी ये ऑटो डाउनलोड नहीं हो, तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हो। इसको टिक हटा दें, इसको भी टिक हटा दें और उसको ओके कर दें। उसके बाद भी नहीं, वो यूजिंग वाईफाई, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्या क्या डाउनलोड होना चाहिए। तो आप अगर चाहते हो कि हाँ मेरा ये चीज़ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए जब भी मैं वाईफाई कनेक्टेड रहूँ, तो आप इसको टिक करके रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा अगर वाईफाई पे भी कनेक्टेड है फिर भी हमारा ऑटो कोई भी डाउनलोड नहीं होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ से सभी चीज़ टिक को हटा सकते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी ऑटो डाउनलोड का था वो यहाँ से ऑफ हो चुका है, मोबाइल डाटा का भी और यहाँ से वाईफाई का भी। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल डाटा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा इमेज डाउनलोड हो जाए, तो इसको टिक कर सकते हो, उसके बाद ओके कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ और हमारी जो है वीडियो सिर्फ डाउनलोड हो जाए, तो आप यहाँ वीडियो पर टिक कर सकते हो और इसको ओके कर सकते हो। तो आपका सिर्फ वाईफाई पर अगर कनेक्टेड रहेगा तो आपका सिर्फ वीडियो डाउनलोड होगा ऑटोमेटिक, और अगर मोबाइल पे रहेगा तो इमेज ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, और ऐसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो मैन्युअली। अगर आप चाहते हो कि ये इमेज भी डाउनलोड ना हो तो आप इसको भी हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑडियो या वीडियो कुछ भी डाउनलोड ना हो तो इसको भी ठीक हटा सकते हो आप। उसके बाद हमको बाहर आ जाना है। अब आपके सिग्नल ऐप पर जो भी चीज़ आएगी वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी, जो आप डाउनलोड करेंगे तभी डाउनलोड होगी, या फिर आप सेट करके रख सकते हो कि किस चीज़ को आपको ऑटो डाउनलोड करना है, किस चीज़ को आप ऑटो डाउनलोड नहीं करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।